नमस्कार, सियांगलुंग न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है। तो इंट्रो देखकर आप पता ही चल गया होगा, आज हम कुछ न्यूज़ लेकर नहीं आए हैं, बल्कि आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी लेकर आए हैं। तो फिलहाल हम जो अभी जगह में खड़ा है, इस जगह का नाम है मोरी। तो एग्जैक्टली इस जगह को कहते हैं मोरी आईबी, एंड यहाँ पे एक चौराहा है। तो इस तरफ से आप जब चलेंगे तो आपको मिलेगा रुंगों का रास्ता, और सीधा चलने पर आप पहुँच जाएंगे पातुम रोड, पातुम आलो रोड। इसके बाद अगर आप वहाँ से लेफ्ट जाता है तो आपको मिलेगा लोरगिंग रोड। तो उसी से आप 100 मीटर आगे आकर आपको एक जगह मिलता है, जिस जगह को मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस जगह का नाम है लूने द लास्ट रिजॉर्ट। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे एक रिजॉर्ट खोला है नया से, तो उसी को आज हम कवर करने के लिए आया है। तो आज मैं आपको बता दूं कि सियांगलुंग न्यूज़ लाइव वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर आए हैं, एंड यहाँ का जो ओनर है वो एक लेडी है। तो इसी चीज़ को लेकर हम आपको दिखाने आए हैं कि एक लेडी भी कितना कुछ कर सकता है। तो उन्होंने आज यहाँ पे एक रिजॉर्ट खोला है, तो आज उनसे ही हम जानेंगे कि उनका रिजॉर्ट कैसे करके बना है, किससे उनको ये आइडिया मिला है, एंड उसके रिजॉर्ट में आपके लिए क्या क्या है। तो आइए हम सीधा आज अभी बात करते हैं इस रिजॉर्ट के ओनर से। मेरा नाम है ओजिब गाँव ततक। तो मैडम, जैसे पता है कि यहाँ पे इस हमारे एरिया पे यहाँ पे मतलब ये रिजॉर्ट खोलना इट्स ए यूनिक थिंग, तो अभी तक किसी ने भी ऐसा कुछ स्टेप्स नहीं लिया है, रिजॉर्ट खोलेगा ऐसे कोई नहीं किया, तो आप मेरे ख्याल से शायद आप पहला हो। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये रिजॉर्ट का नाम लूने द लास्ट रिजॉर्ट है, और ये नाम जो लूने जो है वो बेटी का नाम में रखा गया है, और ये द लास्ट रिजॉर्ट तो वो एक फ्रेंड जो आइडिया दिया है कि अगर ये रख लो तो हम लोग को अच्छा लगा है, तो इसलिए ये द लास्ट रिजॉर्ट करके डाल दिया। तो नॉर्मली हम लोग का ये एरिया में ये सब का इतना वो नहीं है, मतलब एक्सपोजर नहीं है, और नया बिजनेस ऐसे टाइप से बिजनेस करने के लिए थोड़ा डरता है, मतलब एंजॉय करने के लिए तो कहाँ पे भी नदी में जाके कहीं में भी कर लेगा ऐसे है। तो हम लोग का जगह में भी ये मेरा ये फादर इन लॉ का जगह है जो अनयूज था, तो हम सोचा है कि नया करके दिखेगा यहाँ पे भी, मतलब यूटिलाइज करेगा ये जगह को, तो वैसे करके आइडिया आया है मेरा। तो मैडम, आपका ये रिजॉर्ट खोलने का हम लोगों को रीज़न तो पता चल गया, तो इट्स ए वेरी गुड थिंग कि मतलब नॉर्मली हम लोग यहाँ पे सब क्या करते हैं कि खेती करेगा सोचते हैं, बट आपने जगह को यूज़ करके मतलब एक एग्जाम्पल सेट किया है हमारे एरिया पे। तो आई होप कि आगे जाके लोग और भी ट्राई करेगा, नया नया बिजनेस बाहर से लेकर आएंगे जैसे आप लेकर आए हैं। तो आज हम इस रिजॉर्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आप अपने कस्टमर को कौन कौन सा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। फैसिलिटीज़ तो सबसे पहला फैसिलिटीज़ ये है कि जैसे जो लोग अनएम्प्लॉय बैठ रहे हैं यहाँ पे एरिया में बस्ती में, तो वो लोग वहाँ यहाँ पे काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जैसे वेटर का हो, मतलब अगर इफ़ दे आर क्वालिफाइड, ये बार टेंडिंग का हो, मतलब क्लीनिंग का, जो भी ऐसे सब ये ऑल ओवर केयर टेकर, वो जॉब एक फैसिलिटीज़ है। तो खाने में तो स्पेशली शेफ मंगाया गया है, जो जहाँ पे हम लोग ये कंटिनेंटल चाइनीज और इंडियंस एनी काइंड लोकल ये सब वो कुजिन्स को मिलेगा, आप लोग एंजॉय कर सकता है सब, और फैमिली को लेके आके एंजॉय कर सकता है। एंड देन एक जो है कैंपिंग है, जहाँ पे मतलब 30% एकोमोडेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद फिशिंग कर सकता है, एंगलिंग कर सकता है, एंड देन स्विमिंग और नेचर को एंजॉय कर सकता है यहाँ पे। और सबसे मतलब ये फैसिलिटीज जो चाहिए होता है वो है बाथरूम सबके लिए, वो जैसे लेडीज़ के लिए अलग से है और मेल जेंट्स के लिए अलग से है। उसके बाद बार है जहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं सब फ्रेंड्स आके। उसके बाद और सबसे इंटरेस्टिंग जो है कि ओपन कैरियोके होता है, यू कैन आप लोग आ सकता है आके, मतलब गाना गा के एंजॉय कर सकता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे डिस्टर्बेंस ये सब भी नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया जो मतलब ये बस्ती से थोड़ा दूर में है, तो ऐसे मतलब नेबर्स को भी डिस्टर्ब ये सब नॉइस डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, तो वो एक अच्छा वो है यहाँ का फीचर्स है। और मैडम, मेरा ये लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि जैसे हर जगह में होता है कि हर जगह को एक विजिट करने का रीज़न होता है, तो
आपको क्या लगता है कि लोगों को इधर क्यों आना चाहिए? लोगों को इधर आना चाहिए मतलब आजकल तो सब बिजी होके रहता है, तो मतलब मेंटली डिस्टर्ब भी होके रहता है, और ये उसमें क्या होता है कि कभी कभी अकेला टाइम चाहिए होता है, और कहीं मतलब हसल बसल से दूर जाके रहने मन होता है, तो इन दैट केस ये मतलब एक मेंटल स्टेबिलिटी भी मतलब देने का भी काम करेगा। आप आके थोड़ा एंजॉय करेगा, अपना मी टाइम भी एंजॉय कर सकता है, और फ्रेंड्स जो लोग भी प्लान करके कैंपिंग कर सकते हैं रात को बैठ के यहाँ पे, और गाना गाना और म्यूज़िक तो एक थेरेपी है आदमी का, वो मतलब हेल्दी रहने का और ये सब करके। और उसके बाद सबसे पहला ये आइसोलेशन, आइसोलेटेड प्लेस में है जहाँ पे मतलब आपको इतना मतलब वो ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर आप मतलब म्यूज़िक डालो, गाना गाओ, बट रात तक गाओ, तब भी डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं होगा अलग लोग को, तो ऐसे होके कोई एक ये वो अपना ये टाइम को एंजॉय करने के लिए आ सकता है। इवन आप फैमिली को भी ला सकते हैं, ऐसे नहीं है कि बार है तो मतलब पीने के लिए है, ऐसे नहीं है, तो फैमिली को ला के भी आप आराम से, रेस्टोरेंट भी है और शेफ भी स्पेशलाइज है, मतलब अच्छे से वो कुक कर सकता है, ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, तो ऐसे होके आप यहाँ पे इसलिए आना चाहिए आप। सो थैंक यू सो मच मैडम। तो हमने भी मुआवना किया था आज आपका रिसोर्ट का, तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड गाइस, आप लोग अगर ये, हम तो अभी पूरा दिखाई दिया आप लोगों की ये रिसोर्ट देखता कैसे है, लेकिन एक बार इनका लोकेशन को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये सब कुछ इन्जॉय करने को मिलेगा। तो अभी ये आप छोटा सा शॉट इन्जॉय कीजिएगा, तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा। सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बने रहिएगा सियांगोंग न्यूज़ लाइव में।